ये है दिल्ली दर्पण। ये जो चक्का जाम है ये खुलने वाला नहीं है। अब बात करता हूँ, मेरे साथ रजन शुक्ला जी हैं। बहुत सारे लोगों को अध्यक्ष जी तकलीफ भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है चीज़ से। मैं उसके लिए दिल्ली वासियों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि दिल्ली के हित में अगर हमारे को कहीं फोड़ा हो जाता है तो उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है, थोड़ी देर की तकलीफ होती है। ये 2-3 घंटे की तकलीफ दिल्लीवासी सह लेंगे तो पूरे जीवन का उनका जो नर्क बना दिया केजरीवाल ने वो सुधर जाएगा। उनके जो युवा हैं, उनके बेटे हैं, जिन पे उनसे उम्मीदें हैं, वो इंजीनियरिंग ना करके, पढ़ाई ना करके दारू पियेंगे। जो महिलाएं हमारे यहाँ नारी शक्ति पूजी जाती है, उसके लिए अलग ठेका खुलेगा, उसके लिए कमीशन पर जो है दिल्ली सरकार छूट पर जो है दारू देगी, तो दिल्लीवासी स्वयं तो नहीं उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली की, और जिम्मेदार पार्टी है जो जनता के हित में अगर कोई काम किया गया तो उसकी सराहना भी करती है, लेकिन जनता के हित में अगर काम नहीं होता तो उसके लिए हम सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और बाहरी दिल्ली जिले में सामूहिक कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आज बड़ी संख्या में यहाँ उतरे हुए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम करने का उद्देश्य मात्र ये है कि लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है, अगर कोई राजा निरंकुश हो जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, तो उसको मनवाने के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से, आप देखो किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से कार्यकर्ता जाम करवा रहे हैं, और ये हम करवाएंगे और केजरीवाल को मजबूर कर देंगे नई शराब नीति वापस ले। ठीक है, वो नहीं होता है, फिर आगे का क्या प्रोग्राम? और आगे के हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी और संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी जो भी निर्देश देंगे, अगर वह कह देंगे कि पीरागढ़ी चौक पर 24 घंटे यहीं बैठना है, तो बाहरी दिल्ली जिले का कार्यकर्ता एक एक यहीं बैठेगा, और जब तक केजरीवाल इस शराब नीति को वापस नहीं लेता तब तक जो है हम नहीं। बहुत सारा रेवेन्यू का भी फर्क पड़ रहा है इससे, पैसा का भी तो सरकार कमा रही है। रेवेन्यू के और भी बहुत तरीके होते हैं, आपको जो है बहुत सारे और गलत काम है फिर वही कर लो, दारू बेचो, गांजा बेचो और जो है दूसरी तस्करी करो, यही करो ना फिर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। दिल्ली को मार करके रेवेन्यू किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है? वो इकट्ठा किया जा रहा है केवल अपने चेहरे चमकाने के लिए। दिल्ली की गाड़ी कमाई, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को पंजाब में लुटाने के लिए, गोवा में लुटाने के लिए, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में लुटाने के लिए हम ऐसा करने नहीं देंगे। यहाँ शराब नीति से पैसा उगा करके आप बाहर जाओगे, ये दिल्ली के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे, और बाहरी दिल्ली जिले का एक एक कार्यकर्ता आज आप देख रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से उतरा हुआ है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।